क्या बात है दीदी, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, खुश तो मैं हूँ। यू नो व्हाट, आई प्रपोज्ड हिम फॉर मैरिज। फिर उसने क्या कहा? उसने भी हाँ कह दिया, उसे भी मुझसे शादी करनी है, बस एक साल का समय मांग रहा है ताकि चीजें थोड़ी और सॉर्टेड हो जाएं। एंड देन वी बोथ विल गेट मैरिड टू ईच अदर। आई कांट इमेजिन, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड यार, आई कांट टेल यू। पता है मैंने अभी से शादी की प्लानिंग शुरू कर दी है। कांग्रेचुलेशंस दीदी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सपना, थैंक यू सो मच। सपना, हाँ दीदी, चल। दीदी आज ना मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं है, प्लीज। सपना, तूने ना पिछले 4 महीनों में कम से कम 10 छुट्टियां ली हैं, और पहले तो तू कभी इतना बीमार नहीं पड़ती थी, ना ही कभी इतनी छुट्टियां लेती थी। अब क्या हो गया है तुझे? ऐसा कुछ नहीं है दीदी, बस मेरा मन नहीं है। चल बाय। बताओगी क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो ये रोतलू जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? तुम पूजा से शादी कर रहे हो। और तुम्हें ये किसने कहा? पूजा ने? उससे क्या फर्क पड़ता है सुनील, जो मैंने तुमसे पूछा है उसका जवाब दो। हाँ, पूजा ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था और मैंने उसे हाँ कर दी है। ओ हेलो, पर मेरा उससे शादी करने का कोई इंटेंशन नहीं है। मैंने उसे हाँ सिर्फ इसलिए कहा है ताकि हमें कुछ वक्त मिल सके उसे समझाने के लिए, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच्ची? I mean, will you marry me? Yes, of course. मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ यार। पक्का ना? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ, झूठ बोल रहा हूँ। अरे नहीं, ऑफ कोर्स, तुम भी ना। लो तुम्हारे सर की कसम, खुश, हैप्पी। आई लव यू सुनील। लव यू टू। सपना? जी दीदी। तेरा कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर चल रहा है ना? नहीं दीदी, आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मुझे पता है कि तू आजकल किसी को डेट कर रही है, वरना इतने ऑफिस की लीव तो तू लेने से रही। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख सपना, मुझे सब पता है तेरा क्या चल रहा है और क्या नहीं। अब चुप क्यों बैठी है, बता ना। दीदी एक्चुअली अभी हम लोगों ने सिर्फ एक दूसरे को डेट करना शुरू किया है, एक दूसरे को किसी ने भी प्रपोज नहीं किया। हाँ लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होगा ना तो मैं सबसे पहले आप ही को इन्फॉर्म करूँगी। बस तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि एक सीक्रेट रहे। फाइन। अच्छा वो है कौन एग्जैक्टली? मैं जानती हूँ उसे। नहीं दीदी, आप नहीं जानती उसे। अच्छा ठीक है बाबा, जब भी तेरा मन करे मुझे बता देना। ओके पक्का, मैं वॉशरूम हो के आती हूँ। ओके